उत्तराखंड के उत्तरकाशी बस हादसे पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मृतकों का पार्थिव शरीर एयरफोर्स के प्लेन जो है वो खजुराहो लेकर आएगा और धार्मिक यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के परिजनों से संपर्क भी किया गया है। सभी आवश्यक प्रबंध भी किए गए हैं। सीएम शिवराज दुर्घटना में घायल श्रद्धालुओं के इलाज और अतिरिक्त 50,000 की सहायता राशि के लिए आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक दुखद बस हादसा हुआ है और इसके बाद सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। उत्तराखंड के सीएम के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार मॉनिटरिंग वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से लगातार 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। सर, एक दुखद बस हादसा, बहुत ही पीड़ादायी, बहुत दुखद। माननीय मुख्यमंत्री जी तो तत्काल संपर्क में आ गए थे प्रशासन के, शासन के वहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी से बात की, स्वयं पहुंच गए, घायलों से मिले। 26 लोग कुल उसमें, 25 हमारे मध्य प्रदेश के हैं जो नहीं रहे हमारे बीच, एक उत्तराखंड में उसी बस का स्टाफ, सभी का पीएम हो गया है। 2 बजे एयरफोर्स के प्लेन से वो देहरादून एयरपोर्ट से रवाना होंगे और मध्य प्रदेश के खजुराहो एयरपोर्ट पर वो होते हैं। अधिकांश लोग पन्ना जिले के हैं, पन्ना में भी सिमरिया गांव के ज्यादातर लोग हैं, एक छतरपुर के हैं, बाकी लोग पन्ना के। 18 एम्बुलेंस वहां पर हैं, सभी को अलग अलग ले जाएंगी जैसे ही सब स्वजनों को सौंपते हैं। स्वजनों से भी सभी प्रशासन के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी द्वारा और 50,000 रुपया घायलों को देने का भी आश्वासन दिया था। 4 लोग घायल हुए हैं, इसमें से 1 उत्तराखंड के और 3 मध्य प्रदेश में। घायलों से माननीय मुख्यमंत्री जी मिल चुके हैं, पूरे इलाज की चिंता और व्यवस्था दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बी डी शर्मा जी वहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे जो श्रम मंत्री हैं वो भी वहां पर हैं, पूरी एक एक चीज को खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं। इस मामले में क्या जांच भी की जाएगी? उत्तराखंड सरकार ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए, जैसे ही जांच की रिपोर्ट आती है वैसे आपको अवगत कराते हैं। साफ तौर पे एक दुखद बस हादसा उत्तरकाशी में हुआ है जिसमें 26 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और लगातार मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं और लगातार परिजनों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।